हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पीबी द्वारा जो 2022 का कैलेंडर जारी किया गया है, एग्ज़ाम कैलेंडर, कितनी भर्ती आने वाली है उसमें एक भर्ती है मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022, जो आपके वर्ष के 2022 के वर्ष के अंतिम समय में, अंतिम माह में हो जाएगी। अंतिम माह में मतलब अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी आपके। और उसका पैटर्न है 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपका रहेगा मैथ्स 20 नंबर की रहेगी, जीके 20 नंबर का, साइंस 20 नंबर का, हिंदी 20 नंबर की और इंग्लिश 20 नंबर की, ठीक है। और ये आपके सामने मैं पेपर सॉल्व करके बता रहा हूँ, जो 2017 का पेपर है जिसमें वन रक्षक और जेल प्रहरी दोनों का कॉम्बिनेशन था पेपर का। और 2022 में किस प्रकार पेपर आएगा, इसी प्रकार पेपर आएगा। और कैसे क्वेश्चन पूछे गए 2017 में, यह फर्स्ट पेपर है आपका जो 18 जुलाई 2017 को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट थी उसका पेपर है। और इसका पेपर आंसर सहित सॉल्व करके बताएंगे, आंसर भी है इसमें, बस मॉडल पेपर है और 33 पेज का पेपर है, पीडीएफ है, देख लेते हैं। इस पर चलते हैं पेपर की तरफ। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जेल विभाग कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017, ठीक है। टॉपिक फर्स्ट है जनरल इंग्लिश का है, और जनरल इंग्लिश में को थोड़ा सा हम देख लेंगे बाद में। जनरल इंग्लिश, ये इंग्लिश के आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 20 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के। अब हम जनरल साइंस पर चलते हैं। जनरल साइंस में इंग्लिश सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही, चलो साइंस से पहले अपन जीके कर लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा साइंस टफ पड़ेगा और साइंस के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ बनेंगे आपके सामने। तो सबसे हम पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। चलो जनरल नॉलेज से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, जनरल नॉलेज से स्टार्ट कर लेते हैं। और ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप जनरल नॉलेज में। जल विलास महल कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन है आपके पास, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, ग्वालियर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्टेट्स डज मध्य प्रदेश शेयर इज बाउंड्री विथ, मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों की सीमा का साझा करता है, ठीक है, कितनी सीमाओं के साथ साझा करता है ये बताइए आप, कितने, 5, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश के साथ में कितनी साझा करता है, 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरे नंबर क्वेश्चन, नौरता मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, बुंदेलखंड, चित्रकूट, बघेलखंड, मालवा, तो कौन सा है, नौरता मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है नौरता, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था, 2006, 2007, 2005, 2008 में, ठीक है। अलीराजपुर जिला 2008 में स्थापित किया गया था। इसके साथ में मैं एक नया फैक्ट बता देता हूँ आपको, एक सीधी से सिंगरौली अलग हुआ था 2008 में, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी थी सीधी, अभी वर्तमान में क्या है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। 2008 में से पहले मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी थी सीधी थी, 2008 से सीधी से सिंगरौली अलग हुआ, तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है, सिंगरौली है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे, जो नर्मदा यात्रा है के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे, 15, 14, 17, 16, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, 16 जिलों में। अगला क्वेश्चन नंबर 6 से आपके सामने, मध्य प्रदेश
के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया? तो ऑप्शन चार है आपका, ऑप्शन नंबर एक बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर टू चित्रकूट, ऑप्शन नंबर सी थ्री है सतपुड़ा पठार और मालवा। तो कहाँ जीवाश्म कहाँ है हाल ही में खोजा गया है? चित्रकूट में। ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप अधिकतर कैंडिडेट जो तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम स्टूडेंट है ज़्यादातर, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादातर बाहर यूपीएससी और एमबीबीएससी और एसएससी की तैयारी करते हैं, तो आप अधिकतर स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं। 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका के एक दिवसीय क्रिकेट मैच को तीन ओवरों के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबित करने का कारण था? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऑप्शन है फर्स्ट इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर टू पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त था, तीसरा अनसफिशियंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, अकुशल सुरक्षा व्यवस्था, अनियंत्रित भीड़। तो क्या है कि पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त था, पिच वाज डेंजरस टू प्ले ऑन, ऑप्शन ए। अगला है लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश की किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो खजुराहो, ओरछा, उज्जैन, महेश्वर। तो कहाँ है लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश की किस स्थान प्रसिद्ध है? ओरछा में। कहाँ पर है? ओरछा। ये भी आपका हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नौ नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बंसी कौल, अनुपम खेर, राज बिसरिया, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो कौन है कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया? बंसी कौल। और ये क्वेश्चन से रिलेटेड 2021-22 का कर लेना आप, 2021-22 का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है। कुछ क्वेश्चन रिलेटेड ऐसे आएंगे आपके। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? होलकर, सिंधिया, मराठा, मालवा। तो कौन सा, ये तो आपको पता ही है, होलकर कॉलेज वगैरह ऐसे याद कर सकते हो आप, होलकर नाम आया तो वो कौन सा होलकर परिवार था, जो राजवंश था वो इंदौर में निवास करता था, राजवंश था जो शासन करता था। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? ग्वारपाठा, सफ़ेद मछली, उपरोक्त दोनों। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश में ग्वारफाटा भी पाया जाता है और सफ़ेद मछली भी पाई जाती है, ये होती है, तो दोनों आपके औषधीय पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य प्रदेश में प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन भी गजब का क्वेश्चन था, और महाधिवक्ता कुंजला दुबे, पीवी दीक्षित, एम अधिकारी, पी रविशंकर शुक्ल। तो कौन थे? एम अधिकारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, 2016-17 में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे ना, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स थी उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में आए थे 2016-17 में। तो आप भी मध्य प्रदेश की पहली मुख्य सचिव कौन थी? उर्मिला सिंह, निर्मला बुच, शीतला सहाय, सरोजिनी सक्सेना। तो कौन थी? निर्मला बुच। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? उस्ताद आमिर खां, उस्ताद बड़े मोहम्मद खां, अब्दुल करीम खां, रहमत अलीम खां। तो उस्ताद आमिर खां। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है,
मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था? मध्य प्रदेश में कौन सा भाग अलग कर 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था? उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग या दक्षिण पश्चिमी भाग? तो कौन सा था? दक्षिण पूर्वी भाग। आप इसको अच्छे से समझना मैपिंग के थ्रू। जो उत्तर में तो है उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है? मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है? कैमूर पहाड़ी, कलसुबाई, धूपगढ़, गुरु शिखर। ठीक है, तो कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी है ना। मध्य प्रदेश की लोकसभा आयोग का कार्यालय कहाँ है? तो कहाँ है ये तो आपको पता होना चाहिए। एमपीपीएससी का कार्यालय कहाँ है? इंदौर में है। कान्हा टाइगर रिजर्व अधिकारी शुभंकर का नाम है भूर सिंह, शेरखां, बरसिंह, बघीरा, भूर सिंह। रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित हैं? सिरपुर से। इनमें से कोई नहीं, साजापुर, रामगढ़। कहाँ से? रामगढ़ से। अगला क्वेश्चन है आपका प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बुलेट कहा जाता है? शंकर लक्ष्मण, विजयराज, विजयाराज सिंधिया, आचार्य केशवदास, अनिल काकोडकर। तो शंकर लक्ष्मण जी जो को क्या बोला जाता है? बुलेट कहा जाता है। अब हम जनरल हिंदी की बात करेंगे, इसमें भी 20 क्वेश्चन है और थोड़ा लंबा समझ आएगा वीडियो बनते हुए, तो आप अच्छे से शुरू से अंत तक देखना। ठीक है, बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप स्किप मत कीजिएगा। जनरल हिंदी, वृंदावन लाल वर्मा है, ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक है ऐतिहासिक उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर दो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार, नंबर तीन जासूसी उपन्यासकार, नंबर चार पौराणिक उपन्यासकार। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऐतिहासिक उपन्यासकार। वृंदावन लाल क्या वर्मा जी क्या है? ऐतिहासिक उपन्यासकार। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर दो है आपका, मेवाती बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती आती है, ठीक है, मेवाड़, मेवाती, ठीक है, वो अलग ही बोली जाती है उनका। पंडिताई शब्द में प्रत्यय है, पंडिताई शब्द में प्रत्यय है, तो ऑप्शन है एक ई, ऑप्शन नंबर दो है आई, ऑप्शन नंबर तीन है ताई और ऑप्शन नंबर चार है इताई। तो पंडित ताई, ताई, पंडिता ई, अलग हो गया पंडिता प्लस आई, तो पंडिताई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन क्या उसका सही आपका? ऑप्शन नंबर टू। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का, यथा स्थान पद में समास है, यथा स्थान पद में समास है, अव्ययी भाव समास, दिग्गु समास, कर्मधाराय, धाराई समाज और द्वंद समाज। तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट था आपका। क्वेश्चन नंबर पांचवा है आपका, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है, द्विज है, खग है, अंडज है, उपरोक्त सभी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीनों सही है आपका, मतलब उपरोक्त दीज भी कह सकता है पक्षी को पर्यायवाची में, खग, अंडज भी। अगला है क्वेश्चन आपका, स्वरत सुकृत न श्रम वृथा, देखी भीन बिचारी, बाज पराये पानी परी, तू पच्छिन मारी पंक्ति में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर टू है अनियोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर थ्री है विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका आंसर क्या आएगा? अनियोक्ति अलंकार।
शशि का विलोम शब्द है शशि, तरणी दिवस तारे गगन, तो क्या है शशि का विलोम शब्द तरणी। गोपियाँ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपियाँ यही श्री कृष्ण से मिला करती थी वाक्य हैं, गोपियाँ यही श्री कृष्ण से मिला करती थी वाक्य हैं। स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक संरचना, विधि सूचक संरचना। गोपियाँ यही श्री कृष्ण से मिला करती थी, मतलब यही वह स्थान है जहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलती थी, मतलब क्या स्थान का, एक स्थान का बोध हो रहा ना, तो स्थान बोधक संरचना। अगला है क्वेश्चन, निष्कपट में संधि, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गुण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर 2 है यण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर 3 है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 4 है विसर्ग संधि। निष्कपट में संधि, निष्कपट मतलब कौन से आगे, विसर्ग संधि। आंसर क्या है इसका, विसर्ग संधि, मतलब ऑप्शन नंबर 4। रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी, तो कौन सी है, मालवी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जब नीमच, मंदसौर, रतलाम और धार, ये मालवी भाषा में, ठीक है, इसके ऊपर नीमच भी आ सकता है, मंदसौर भी आ सकता है, तो कुछ भी दे सकता है ना। अब इन चार चार ऑप्शन को पकड़ के लेके चलना, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इसका पीडीएफ भी मैं, नदी शब्द का अर्थ नहीं है, तटनी, सरित, निर्जर, स्त्रोत, स्वती, तटनी तो होता है, स्त्रोत, स्वती, निर्जर, सरित, तो निर्जर बिल्कुल नहीं है। अगला है नेबुला का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, नेबुला आदर्श, आदर्शात्मकता, ऑप्शन नंबर 2 है निहारिका, ऑप्शन नंबर 3 है अमिश्रित, ऑप्शन नंबर 4 है तट संबंधी, तो क्या है ऑप्शन नंबर निहारिका, ऑप्शन नंबर कौन सा है 2 है आपका आंसर, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है भैया, एग्जैक्ट आंसर के साथ में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, 13वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, ऋण शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव, देशज, तो कौन सा है तत्सम। अब तक करना मुहावरे का आशय है, अब तक करना मुहावरे का आशय है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है आजकल करना, टालम टोल करना, बहाना करना, उक्त सभी। अब तक करना मतलब मुहावरे का आशय है, मतलब टालम टोल भी करना आपको, बहाना बनाना, आजकल करना, ठीक है। ये गुण किस किस में है बताइएगा जरूर, है ना, टालम टोल करना, आजकल करना, भले कल पर टालने वाला, तो किसके गुण हैं ये कमेंट जरूर करके बताइएगा, है ना, ऐसे गुण आपके पास नहीं होने चाहिए भैया, है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 ही, तीनों ही सही है ना। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है, ठीक है, पत्रिका जो मध्य प्रदेश में जो पत्रिका है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समागम, दलित साहित्य, नया ज्ञानोदय, दस्तावेज, तो कौन सा है समागम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान मंडल वृहद हिंदी कोश में लगभग, एक लाख 85,000 शब्द हैं, वाक्य हैं, ठीक है, तो आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, तो क्या है ज्ञान मंडल वृहद हिंदी कोश में लगभग 1,050 शब्द हैं, वाक्य हैं, तो विधानवाचक वाक्य। अगला है निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है, मुक्ति विमुक्ति, पूर्वान अपराण, सही है, सरल जटिल, नीरव ध्वनि, तो क्या हो गया मुक्ति विमुक्ति, तो शब्द युग्म नहीं है, मुक्ति विमुक्ति तो ये नहीं है, और नीरव ध्वनि सरल और जटिल का होता है, पूर्वा अपराण होता है। अगला है आपका क्वेश्चन 18 नंबर का, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, मोहन रीता दोनों तैर रहे हैं,
उसके अंदर कई दोष हैं, आकाश बहुत उच्च हैं। ठीक है, सबसे शुद्ध वाक्य क्या है, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिंदी बिंदी का फर्क रहता है और मात्रा का फर्क भी रहता है। आकाश बहुत ऊंचे है, बहुत ऊंचा है ऐसा भी हो सकता था बा आकाश। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं, उपयुक्त, आल्हाद, उन्नति, कृत्य कृत्य, तो कौन से है, उपयुक्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, सुत सुत, सुवन सुमन, सुर सुर, सदा सर्वदा, तो कौन सा है, सदा सर्वदा। ठीक है, अब ये मैथ्स आ गई और मैथ्स को हम सोल्व करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ मैं सोल्व करके नहीं बता सकता क्योंकि पीडीएफ है और इसको सोल्व करने के लिए मुझे इन सब क्वेश्चनों को मैं सोल्व करके बता दूंगा आपको। ठीक है, शाम को मैं 20 क्वेश्चन को सोल्व करके बता दूंगा और तो भी देख लेते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके कि दी गई संख्या श्रेणी में गलत पद क्या है। एक श्रेणी है, सीरीज है, सीरीज का क्वेश्चन है 1, 2, 12, 63, 316, 17, तो इसका आंसर क्या है, 1704। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई सेंटीमीटर तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो, एक आयताकार है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो ये रेक्टेंगल ऐसा होता है, एक आपका टेबल हो गया या कंपास बॉक्स हो गया, उसको देख ले सकते हो आप, रेक्टेंगल है। और एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, आपको आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई करना है। ठीक है, क्षेत्रफल की जगह 1080 वर्ग सेंटीमीटर लिखना है, बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई की जगह 54 करना है, काटापिटी कर लेना है, 54 × 108 होते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 20 और 54 का परिमाप निकाल देना आप, तो कितना हो जाएगा, 20 और 54 74 74 × 2 क्या होता है, एक वर्ग का आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक बंद लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 74 × 2 तो कितना हो गया, 148। ठीक है, 148 ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6 दीर्घ समीकरण में मूल है। तो देखो, इसको तोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, आपके पास ऐसी संख्या ढूंढो जो आपके पास क्या हो कि x² + 5x + 6 इक्वल टू, तो आपको क्या करना है कि 6 जोड़ने पर तो 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2 × 3 x² + 2x + 3x, तो कितना आ जाएगा, 2 और 3, तो कितना प्लस प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर 4th आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट करने का तरीका है, बहुत सारा माइंडली मेंटली प्रोसेस है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। यदि एक संभव त्रिभुज का परिमाप कितना है, 48 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। महाजन, अगला है महाजन और संजय की वर्तमान आयु कितना, 8:7 में है, 6 × 19। ठीक है, इन सबको मैं आपको जो बोर्ड में है, बोर्ड में जो बोर्ड है अपना बोर्ड है जो क्लास का बोर्ड है उसमें करके बता दूंगा आपको। बस मोटे मोटे रूप से मैं बता देता हूँ, दो संख्या याद करें, ठीक है, जिनका योग है, गुणनफल है। ठीक है, x + y बराबर आप 29 रख दो और x + y, ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हो आप। इनको करने का बहुत आसान तरीका है ये क्वेश्चन से आपके मैथ्स के, और इस प्रकार से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसके। ये सब आपको आज मैं बोर्ड पे करके बता दूंगा इस क्वेश्चन को, किस प्रकार से आप क्वेश्चन करें, है ना। ये जैसे भिन्न का क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भिन्न से रिलेटेड न्यूमिनेशन सबसे बड़ी भिन्न है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपके पहाड़े वर्गमूल घनमूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये आपका हो गया, तो ये कौन कौन से क्वेश्चन हो गए आपके, मैथ्स हो गई, हिंदी हो गया, और अब थोड़ा सा साइंस ले लेते हैं। साइंस के फर्स्ट में इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश ले लेते हैं अपन,
और इंग्लिश को भी अच्छे से सोल्व करके देख लेते हैं। इंग्लिश में आपका आउट ऑफ द गिवन फोर वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट करेक्ट स्पेल। टुमारो, टी ओ डबल एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू। तो जो स्पेल्ड करेक्टली है वो आपको फाइंड करें। स्ट्रेटेजी, इसकी स्पेलिंग क्या, सरप्राइज, एक सरप्राइज, एक सरप्राइज होता है सरप्राइज। और टुमारो थ्रोली टी एल वाई, तो इसमें स्ट्रेटेजी सबसे स्पेलिंग करेक्ट है। और आउट ऑफ द गिवन फोर वर्ड्स ओनली वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। ब्यूरोक्रेसी, तो इसमें क्या नॉट करेक्टली है, डेमोक्रेसी, एनआरसी, पार्लियामेंट। तो ब्यूरोक्रेसी, बी ई ए यू ब्यूरोक्रेसी आता है, ब्यूरोक्रेसी डब्ल्यू स्पेल्ड है, नॉट स्पेल्ड करेक्टली है, कौन सी है, ब्यूरोक्रेसी। इसमें ये करेक्ट नहीं है, और सब करेक्ट है, ठीक है। इतने छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, स्पेलिंग करेक्ट, स्पेलिंग डिस्क करेक्ट नहीं होनी चाहिए, नॉट करेक्टेड। दो क्वेश्चन तो ऐसे आराम से आपके पास, वोकैब अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश को पढ़ने के लिए। आप वोकैब में द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो, और कोई भी मैगजीन है इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश आप अच्छे से करना, क्योंकि इंग्लिश में नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बच्चों के, क्योंकि आप सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। क्वेश्चन अगला है डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको फिलअप करना है। द शीप आर ग्रेजिंग द फील्ड, ठीक है, ग्रेजिंग द फील्ड। द शीप आर ग्रेजिंग द फील्ड, तो शीप जो है वो आपके समुद्र के अंदर उसका फील्ड होता है ना, तो ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका। थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा। अब आपको प्रीपोजिशन, ही रेड बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्टेड, मतलब वह किताब बहुत ही इंटरेस्टेड पढ़ रहा है, के साथ पढ़ रहा है, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहा है, मतलब विथ के साथ, ठीक है। क्या ये प्रीपोजिशन, ये आ जाएगी। और आर्टिकल है अगला है आपको, क्वेश्चन नंबर फाइव फिफ्थ है आपका, और उसमें आपको आर्टिकल फ्लिप करना है। माय कजिन रवि विल अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क इन जुलाई, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, द एन अ तो वो क्या आ जाएगा इसका, नोट आर्टिकल रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स है करेक्ट आर्टिकल, है ना, आर्टिकल से दो पूछे गए, प्रीपोजिशन से भी दो पूछे गए, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपके पास प्रैक्टिस होना जरूरी है, 100 क्वेश्चन को कितने समय में कर सकते हो, समय की कमी पड़ जाती है यहाँ पर, इस पेपर में समय की कमी बहुत ये रहती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शंस, फिल द ब्लैंक द करेक्ट आर्टिकल, इसमें भी आर्टिकल फिलअप करना है आपको। देयर बेबी बियर्स स्पेस, जो आपका खालिस्तान बोलते हैं हिंदी में आप, स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू द टू इट्स ग्रैंडफादर, नो आर्टिकल, द एन ए। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जगह क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग से आगे आर्टिकल क्या आएगा, अ आएगा, अ स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस, ठीक है। एन क्या है, एन वॉल से के आगे लगता है, तो वॉल से तो नहीं, और द किसी धार्मिक स्थल वगैरह, रिलीजियस वगैरह, किसी पार्टिकुलर जो होता है ठोस वजह होने की, तो वहाँ लगता है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है आपका डायरेक्शन, आउट ऑफ द गिवन फोर सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। द बेल्ट ऑफ द क्रश हैव बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है, मुंह में छाले होने की वजह से बोला नहीं जा रहा भैया मेरे से। और चूज द विच ग्रामेटिकल करेक्ट, है ना, ग्रामेटिकल करेक्ट। देखो ऑप्शन आपको जैसे ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना,
तो ऑप्शन नंबर ए पकड़ना और फोर्थ पकड़ना है ना, ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर डी पकड़ना, फिर उसके बाद बी और सी पकड़ना। द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है देखो, द बेल्स ऑफ द मतलब वो तो ऑफ द फर्स्ट तो करेक्ट हो गया, जहाँ पर ऑफ देख रहा हूँ आपको वो तो करेक्ट हो गया। द बेल्स बाय द चर्च, तो बाय द चर्च देखो पहला और चौथा तो कैंसिल हो गया आपको। द बेल ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग द बेल्स, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, सिंगुलर प्लुरल वाली बात आ गई, तो हैव बीन आ गया, सिंगुलर वाली बात आती द बेल्स, तो ऑप्शन नंबर थ्री कट गया, कैंसिल ऑप्शन नंबर टू। ऐसे नेग्लेक्ट करना आप सीख जाओगे तो आराम से आपसे हो जाएगा, है ना। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर एट है आपका, डायरेक्शन आउट ऑफ द गिवन फोर सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है आपका वो आपको चूज करना है। देखो मोहन डिड नॉट बोरो, पहले सेंटेंस पढ़ रहे थे, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स, ठीक है तो बोरो तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर थ्री और फोर तो कैंसिल हो गया, बोरो समथिंग वाली तो बात आएगी नहीं, और मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फॉर हिज नेबर्स। मतलब मोहन ने अपने पड़ोसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, एनीथिंग कोई भी। क्वेश्चन नंबर नाइन थे आपका, डायरेक्शन आउट ऑफ द गिवन फॉर ऑप्शंस चूज द करेक्ट कंजक्शन टू फिल द ब्लैंक गिवन इन द सेंटेंस, दोज बनाजाज आरंट रिप दे आर स्टील, कंजक्शन आपको करना है, ठीक है कंजक्शन जक्शन ठीक है जोड़ना है आपको, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, येट बट और वाइल, तो यह क्या आ जाएगा, येट, दोज बनाज आरंट राइप येट दे आर स्टील ग्रीन। अगला है क्वेश्चन नंबर टेन थे आपका, आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन चूज वन टू ज्वाइन द टू सेंटेंस गिवन बिलो टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, गो फॉर ब्रिक्स वॉकिंग यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर वेट, ठीक है तो क्या आएगा आपका, गो फॉर ब्रिक्स वॉकिंग इफ, यदि आप यू वॉन्ट टू रिड्यूस, ठीक है आप चलते हो तो आपको, आप चाहते हो कि आपका वेट कम हो तो आपको चलना पड़ेगा, तो क्या आएगा इफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायरेक्शन है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिलिंग द ब्लैंक्स, शी इज सेड दैट, उसने कहा कि सी स्पेस फिलिंग द ब्लैंक्स विन द सेक्रेक्स, कैन नॉट हैव कुड नॉट हैव कुड नॉट, तो क्या आएगा कुड नॉट, तो ऑप्शन नंबर थ्री सही है आपका, ठीक है। और आपको मोटे मोटे रूप से बता रहा हूँ मैं आपको सोल्व करके, क्योंकि यहाँ पर एक आपको एक प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि एक बोर्ड होता था, बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस अ पर्सन हु इज अनअवेलेबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट, तो क्या आएगा, ए पर्सन सेंटेंस आपको करना है, वन और ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट, बैंकक्रप्ट एफ्लुएंट इमिग्रेंट लेजिटिमेट, तो क्या है आप पर्सन हु अनेबल टू पे, तो क्या है बैंकक्रप्ट है। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शंस फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ, प्रपोज ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी या ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन ऑफ हिमसेल्फ, खुद के द्वारा जो भी हिस्ट्री आप लाइफ की जिंदगी हिस्ट्री लिखते हो उसे क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ऑटोबायोग्राफी बोलते। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आप 20 नंबर में से आराम से 15 नंबर आराम से मार सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 14 थे आपका, इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर कॉमा मार्क योर आंसर इज बी. डू यू थिंक एरर कहाँ आ रहा है? ठीक है, एरर देख लेते हैं. डू यू थिंक, अगला है ऑस्ट्रेलिया इज ए मोर, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका. ऑप्शन नंबर सी है डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन, नो एरर. तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन. अगला है क्वेश्चन नंबर 15 थे आपका, डायरेक्शंस इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर इज. तो दिस कॉपीज आर फॉर डिस्टर्बशन आर द एरर. तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी. अगला क्वेश्चन है ये भी बड़े बड़े रूप से जा रहा है. अ सेंटेंस विज एन अंडरलाइन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू टेक द लॉ इनटू वन्स हैंड इन द सेंटेंस गिवन बिलो. ठीक है, तो हर मदर टुक द लॉ इनटू हर ओन हैंड्स व्हेन शी हिट डेट हर चाइल्ड हैड बीन अब्यूज्ड. तो क्या है? टू डू समथिंग इलीगल इन ऑर्डर टू पनिश समवन. ये आपके 17-18 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस लास्ट में आपको बस क्वेश्चन नंबर 17 है ए सेंटेंस विज एन अंडरलाइन आइडियोमेटिक, ये तो हो गया वास्ट डो. क्वेश्चन नंबर 18 है ए सेंटेंस विथ एन अंडरलाइंड वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इज मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड. वी वर चार्म्ड बाय हिज बायोश मैनर, डिसगस्ट, रिपिल्ड, अट्रैक्टेड, एनियड. करेक्ट आंसर है अट्रैक्टेड. क्वेश्चन नंबर 19 है आपका डायरेक्शंस ए सेंटेंस विच एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट, है ना, अपोजिट द हाईलाइटेड, है ना, अपोजिट. तो वाइट का क्या होता है? नेरो. अपोजिट आपका भी इसका बेनिफिशियल का क्या हो जाता है? बेनिफिशियल, लाभदायक. तो डिसएडवांटेज. ये अब आपके जनरल साइंस की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड से ले लेते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है, 38 मिनट का वीडियो बन चुका है. ठीक है, तो जनरल साइंस एन इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है. क्या होती है? रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, उपरोक्त से चुंबकीय प्रभाव. तो सब करती है. चुंबकीय प्रभाव भी रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, केमिकल फील्ड भी रहता है, हीटिंग इफेक्ट भी रहता है, उपरोक्त सभी रहता है ना. ठीक है, तो दोनों तरफ में से करते जाएंगे हम, इंग्लिश और हिंदी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ तक है साइंस को इंग्लिश में पढ़ना पसंद करता हूँ. हिंदी में तो थोड़ा कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि पीबी ना ट्रांसलेट करती, गूगल से ट्रांसलेट करती है, इनके जो शब्दकोश है बहुत कठिन रहते हैं इंग्लिश हिंदी में साइंस के. वायु कोश, क्वेश्चन नंबर 2 है द एयर सक्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट एयर ट्यूब्स इनसाइड द लंग्स आर कॉल्ड. बस इसका हिंदी में लिखे वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं कंठ, वायु कुपिकाएं, ब्रांकाई, ब्रोंकियोल. ठीक है, तो क्या है वायु कुपिकाएं? एल्वियोली. चलो हिंदी में बोल देता हूँ, फटाफट आपका ख़त्म भी हो जाए. ठीक है, जब आपको बोर्ड पर पढ़ा जाएगा तो. क्वेश्चन नंबर 3 है वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेप किया जाता है, इसे कहते हैं. ठीक है,
वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निष्पेक्षित किया जाता है। ठीक है, लेयर, एक लेयर बनाई जाती है, तो क्या बोले इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो प्लेटें प्लेट पे प्लेट रखने हैं तो प्लेटिंग हो रहा है आपका। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है, तो क्या ध्वनि की वेग से, वायु की वेग से भिन्न वेग, समान वेगों से, क्या ऑप्शन है समान वेगों से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीवर पाइप बने होते हैं कास्ट आयरन से, इनमें से कोई नहीं, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, कास्ट आयरन से। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है, तो कहा है घर्षण बल। एक सतह से जैसे भी एक फ्रिक्शन होता है, और ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं, ये जैसे कि ये है और यहाँ पर मैंने उंगली रखी, तो ये मैं जैसे उंगली बढ़ा रहा हूँ सतह पर है, एक सतह है ये दूसरी है, तो इसमें फ्रिक्शन बल होता है, तो घर्षण बल क्या आता है हमेशा पीछे लगता है, घर्षण बल क्या होता है हमेशा पीछे लगता है, और घर्षण है ना, और ऐसा माना जाता है घर्षण बल की वजह से एक मनुष्य द्वारा दिन भर में किया गया कार्य शून्य होता है साइंस की लैंग्वेज में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहा है वो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता है, निसरण बिंदु, उदासीनीकरण बिंदु, समविद्युत बिंदु, यूटेक्टिकट बिंदु, तो क्या है आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है, गुणवत्ता, आवृत्ति, आयाम, त्वरण, ठीक है, जो कंपन करता है उसका आयाम होता है ना, माध्य अवस्था। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ प्रक्रिया कर साथ क्रिया करके देता है, तो अन्य क्षार, अन्य अम्ल, अन्य अम्ल एवं क्षार, लवण एवं जल, लवण एवं जल। अगला क्वेश्चन है आपका, सस्टेबिलिटी ऑफ ए सॉइल ग्रोविंग क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन इट्स, मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है उसके स्पर्शानुभव पर, रंग पर, प्रकार पर, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, क्लोरीन, O2, SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से हो रहा है और ताजमहल को। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का आपका, परमाणु में किस समूह में परमाणु त्रिज्या समान है, ठीक है, आयरन की और निकल की और कोबाल्ट की सबके जो परमाणु त्रिज्या है समान होती है, तो ऑप्शन नंबर आप डायरेक्ट दिखा सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नहीं होती है, ये लगाएं लिथियम, बेरियम, केडमियम में होती है, सोडियम, पोटेशियम, रुबियम, सीजियम में भी नहीं होती है ना, ठीक है, लोहयुक्त तो पदार्थ हैं आयरन, कोबाल्ट और निकिल, और इसमें दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित हो जाते हैं कहलाते हैं परजीवी, सजीवी, पोषण, मनोवित, सजीवी, क्या कहलाते हैं सजीवी। घर्षण बल, यहाँ पर बायो में सबसे ज़्यादा नंबर कटने के चांसेस होते हैं, तो बायो अपने अच्छे से कर लेना आप। घर्षण बल निम्न से बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, इनमें से कोई सतह के चिपकने से घर्षण बल, हाँ सतह के चिपकनेपन से, देखो जितना चिकनापन रहेगा ना उतना फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा, खुरदरापन होना चाहिए, खुरदरापन होना चाहिए, तो खुरदरापन क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए आप ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो और आपके पास जूते जो एक लाइनदार होते हैं और लाइनिंग वाले नीचे ग्रिप बनी रहती है, तो अच्छी ग्रिप रहती है, खुरदरापन रहता है, तो उसके जैसे आपको घर्षण बल काम करता है, आपका जूते फ्रिक्शन पीछे अच्छे उड़ते हैं, तो आप समझ सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री है, तो अब निर्मित दर्पण है, इनमें से कोई नहीं, उत्तल, अवतल, समतल, तो क्या है अवतल दर्पण है वो, कॉनकेव मिरर है ना। गेहूं में काला किट्टा रोग उत्पन्न होता है अस्टिलिगो द्वारा, राइजोपस द्वारा, पक्सिनिया द्वारा, पेनिसिलिया, पेनिसिलियम द्वारा, तो किसके द्वारा है, पक्सिनिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एस्कार्बिक अम्ल कहा जाता है, एस्कार्बिक एक एसिड होता है जो विटामिन सी में होता है ना, ये तो याद रख लेना आप, है ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी में होता है, विटामिन ए में रेटिनॉल होता है, रासायन नाम है, और केराटिन होता है, और
क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान क्यों है? पार्सिलिन कप में हैंडल लगा होता है। स्टील कप में चाय तुलनात्मक रूप से अधिक तेज़ी से ठंडी होती है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, स्टील कप में कहाँ चाय तो गर्म की गर्म रहती है। पार्सिलिन एक ऊष्मा कुचालक होता है, कुचालक होता है और उपयुक्त सभी। तो पार्सिलिन कप में हैंडल लगा तो हैंडल का कोई महत्व नहीं है ना, हैंडल से तो आप चाय पीते हो। तो ऑप्शन नंबर पार्सिलिन के ऊष्मा कुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर भी इसी ये देर का। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए? वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, वन आग को रोकना, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण। तो उपरोक्त सभी है, जो वनों को आपको वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, बंजर भूमि पर वक को आग को रोकना चाहिए। एसिडिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? जो एसिडिक अम्ल होता है किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। और ये आपके सामने पूरा पेपर सोल्व करके बता दिया, वन रक्षक भर्ती परीक्षा का और जल प्रहरी का 2017 का। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा 46 मिनट का यह वीडियो बना है। और आप सभी दोस्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जितने भी वीडियो बनते हैं, जितने भी पेपर हैं, उस सबको मैं रिलेटेड वीडियो बनाता जाऊँगा। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।